मुझे दिखना चालू हो गया पिंपल। मंदपा देवी की जय। बताओगे मुझे जाते समय? मेरे दोनों कान एकदम सुन हो चुके हैं। हेलो गाइस, दिस इज माय थर्ड डे और मैं आज फिर कोशिश कर रहा हूँ टेंपल पे जाने का। मेरे लास्ट वीडियो में, पिछले वीडियो में हमने देखा होगा कि मैं टेंपल पे कोशिश किया लेकिन पहुंच नहीं पाया। डर लगा मुझे अंदर जाके, थोड़ा डरावना था भी क्योंकि एक बच्चे ने मुझे बताया था, जो वीडियो में आपको घर दिखा रहा हूँ मैं जहाँ पे लिखा कोई है, वहाँ पे रियल में एक बच्चा मर गया है। उसके फादर लड़का दोनों मरे हुए हैं और उसी घर में दफनाया हुआ एक तरह का। तो वेरी डेंजरस था, मुझे पता नहीं था इसलिए मैं चला गया, लेकिन अभी नहीं जा सकता, अभी बहुत डरा हुआ था। तो मैंने क्या किया, गांव में आया और गांव में एक भाई मुझे मिल गए जो कि रास्ता दिखा रहे हैं, और उनका थैंक यू कि उन्होंने सपोर्ट करने के लिए तैयार हो गए, नहीं तो मैं तो अकेला नहीं जा पाता। ये इनका नाम है, क्या नाम है भाई? विशाल। इनको देख लीजिए, जब भी आप इधर आए अगर कोई तकलीफ हो इनको कॉन्टेक्ट करो, इज ए वेरी नाइस गाय। और ये रास्ता देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ जिस से, देखिए आप कांट कम अलोन हो, अकेला आ ही नहीं सकते हो क्योंकि इट्स वेरी डेंजरस। यहाँ पे जानवर वानवर भी रहते हैं, रात को एनिमल आते हैं, तो जब भी आप आओ इस चीज़ का ख्याल रखो। वेरी ब्यूटीफुल, एक्चुअली ब्यूटीफुल जंगल बोल सकते हो आप घूमने के हिसाब से, लेकिन बस यही है कि थोड़ा नॉलेज होना चाहिए इस जगह के बारे में आपको। अभी मैं रास्ता देखते हुए जा रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम जरूर कभी बारिश वरिश में आएंगे तो और ग्रीन दिखेगा। बेस्ट पार्ट इज कि यहाँ के गांव के लोग जो है ना, यहाँ पे प्लांट लगा के रखे हैं अलग अलग। देख रहे हैं आप मेरे साइड में, आपको दिख रहा होगा ये अलग अलग प्लांट लगाए हैं और इसी का बिजनेस एक तरह का इनका है। तो ये प्लांट में जो फ्रूट आते हैं ना उसको बेचते हैं और उनका जीवन चलता है। ये हम ऊपर जा रहे हैं अभी, इसलिए थोड़ा थकान हो रही मुझे। सी अलग अलग प्लांट हैं तो मुझे पता नहीं, सी मुझे मैंगो के बारे में और ये भाई से पूछेंगे। देखिए यहाँ एक झोपड़ा बना के रखा हुआ है, वो हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे आपको। ये ज़्यादातर मैंगो मैंने पिछले वीडियो में बनाया। एक ही चीज़ का पेड़ है भाई, काजू। काजू देखो, मैंगो में दिखा, काजू दिखा, जामुन दिखा और ये भी झोपड़ा है। ये घर में लोग रहते हैं? नहीं, अभी नहीं रहते। अभी नहीं रहते, अबेंडेंट प्लेस गुजर गया ना। हाँ ये बता रहे हैं इसमें कोई मर गया जिसकी वजह से लोग छोड़ के चले गए यहाँ से, इस लाइक अबेंडेंट प्लेस। ओके, ऐसे यहाँ पे बहुत सारी जगह हैं जो कि बहुत डेंजरस हैं। एक जगह तो मैंने जो दिखाया हूँ पिछले वीडियो में, कोई है क्या टाइटल दिया था, तो इस वीडियो में जो घर दिखाया ना उसी के अंदर बच्चा मरा हुआ, वेरी डेंजरस। मुझे बाद में पता चला, आज पता चल रहा है, लेकिन जो उस समय अभी उस प्लेस पे मैं जा भी नहीं सकता। तो ये रास्ता देख रहे हो आप लोग कैसे जा रहा हूँ मैं, तो इसी रास्ते से आपको जाना है। और साइड में जो घर दिख रहे हैं, अबेंडेंट हाउस, सारे अबेंडेंट हाउस हैं। कभी कभी लोग आते हैं, सिर्फ कुछ यादें रहती हैं जिनकी, गुजर गया तो एक दो घर जो बताए भाई कि उसमें से मर गए हैं, मतलब गुजर गए हैं नहीं, तो आते हैं। और इस देखो ये आम का पेड़ बड़ा हो गया है, आम का, इमली है, इमली का है लग रहा है भाई ना? नहीं। हाँ क्या है वो? दूसरा ही चीज़ का है। कोई दूसरा है लेकिन है वो। ये बहुत सारे ट्री यहाँ पे लगाए हुए हैं, पता नहीं चला नाम उम के हिसाब से। ये देखो उधर एक और अबेंडन हाउस दिख रहा है, छोटी छोटी ना, यहाँ पे क्या है ना पतरे का घर बनाया हुआ है। कोई भाई ये पतरे का घर क्यों बना के रखा है कहीं कहीं?
अच्छा वो जो, अच्छा हाँ वो जो एरिया ना यहाँ पे क्या नहीं, एक एरिया एरिया जमीन ले लिया लोगों ने और उसको घेर के रखा, वहाँ पे प्लांट लगाया अलग अलग इस टाइप का, इसे पहाड़ पे मुझे दिख रहा है अलग अलग प्लांट ले लिया है प्लॉट, उस प्लॉट को घेर दिया है, वहाँ पे एक छोटा पतरा का घर बना दिया है रखवाली करने के लिए। और अच्छा ये रास्ता है, अच्छा एक सेकंड भाई, लास्ट वीडियो में एकदम उधर उस साइड में क्यों चला गया था, रॉन्ग, तो मुझे इस साइड में आना है, अभी मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। ओके देखो यहाँ पे भाई बैठे हैं, अच्छा यहाँ पे कुछ ना कोई कोई रहता है भाई, खेती बाड़ी जो किए रहते हैं वहाँ रहते हैं। एनी वे नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे कुछ और, फिलहाल तो हम टेम्पल पर जा रहे हैं। क्या लगता है आपको, टेम्पल पहुँच पाएंगे या फिर आधे रास्ते से वापस आएंगे, ये तो आगे वाले वीडियो में ही आपको पता चलेगा कि हम टेम्पल पहुंच पाते हैं या आधे रास्ते से वापस आते हैं। लेकिन डेफिनेटली भाई एक चीज़ कंफर्म है, जब तक टेम्पल पहुंचूंगा नहीं चलता रहूंगा, हार नहीं मानने का, कभी कोशिश करते रहो पहुंच जाओगे आप। ऑल फॉरेस्ट, ग्रीन जंगल, यहाँ पे भी देखो ये बना के रखा है, यहाँ मतलब ये जो जहाँ पे भी ये पतरे का बनाया हुआ है वहाँ एक प्लॉट जो है ना किसी का है, तो वो प्लॉट के अंदर देखो उन्होंने पेड़ लगाए हैं छोटे छोटे, सी ये छोटे छोटे पेड़ जो दिख रहे हैं आपको, और कोई कोई देखो पेड़ बड़े हो गए हैं, तो जो छोटे छोटे पेड़ वो बड़े जब हो जाएंगे ना तब उनका असली बिजनेस चालू होगा, जो फ्रूट इसमें से आएंगे वो बेचने के। ये देखो ये भी आई डोंट नो किस चीज़ का है, ये भाई को भी किसी को पता नहीं, ये पेड़ किस चीज़ का मुझे भी नहीं पता। एनीवे जब बड़ा होगा उसमें फ्रूट आएगा तो एक बार आएंगे और यहाँ का जो मालिक है उससे बात करेंगे क्या क्या पेड़ है। ओके देखो अब रास्ता का पता ही नहीं चल रहा है क्लियर, ये भाई को पता है इसलिए पता चल रहा है, नहीं तो ऐसे पता चलेगा नहीं। ये देखो एक और पेड़ आया, किस चीज का, एक सेकंड भाई जरा रुकना, ये किस चीज का पता आपको, नहीं ये भी नहीं पता, नहीं पता ये फ्रूट देख लो सर, आप लोगों को अगर पता है तो कमेंट करो कमेंट बॉक्स में कौन सा ये फ्रूट है, ये पेड़ लगाया हुआ है लेकिन हमें नहीं पता, ये है सी एनी, ये इन्होंने देखो जला के रखा है कुछ, यहाँ पे घास जो थी ना उसको जला दिया है, और ओह इसमें कोई जानवर था भाई, कुछ तो था भाई, ये सर ना एनिमल हैं, स्नैक उनैक का ज़्यादा, स्नैक ज़्यादा इधर हैं, देखो अभी सामने वो स्नैक ही निकला देख के भागा, तो बी केयरफुल गाइज, थोड़ा केयरफुल रहो, एनीथिंग हैपन एनी टाइम, वी आर गोइंग ऑन अवर रिस्क, हम अपने रिस्क पे जा रहे हैं, ये भाई ने पहले ही बोल दिया लेकर चल रहा हूँ लेकिन रिस्क आपका रहेगा। उफ थोड़ा थक गए अभी आई थिंक हम लोग पहुँचने वाले हैं शायद, ये सब पेड़ लगे हुए हैं अलग अलग और ये रास्ता जाने का इस टाइप का रास्ता है, थोड़ा पत्थर है स्टोन निकले हुए हैं तो आपको स्टोन के ऊपर से ही चलना है। ओके पता नहीं चल रहा है कि रास्ते का, थोड़ा थोड़ा निशान बना के रखा है ना भाई, ठीक है ना, एक मिनट मैं आगे चलता हूँ थोड़ा आइडिया देगा, सी दिस इज द वे, ये जो रास्ता का निशान ये बना है ना हल्का से, इसी से अपने को जाना है, इसी से आपको अंदाज लगाना है, नहीं तो ऐसे पता नहीं चलेगा, चारों बगल देखोगे तो सिर्फ जंगल ही जंगल दिखेंगे।
पेड़ ही पेड़ है और ये नीचे स्टोन, आगे पेड़ नीचे स्टोन, रास्ते में हम अभी ये यहाँ से जाना है ना। ठीक है, थोड़ा आइडिया आ रहा है मुझे। ये देखो बताया था मैंने ना, ये प्लॉट उन्होंने लिया, इसे घेर के रखा है पत्थर स्टोन से, और इसके बीच में उन्होंने अलग अलग ट्रीज लगाए हैं। ये देखिए यहाँ से रास्ता भी है और ये अपने को ऐसा जा रहा है, सब स्टोन स्टोन ही है। आई एम टायर्ड मैन, मैं बिल्कुल थक गया हूँ। ये भी पेड़ आया, ये तो क्या बताए थे, भूल गया नाम इसका, ये काजू। हाँ, बार बार मुझे भाई भूलने की बीमारी बहुत है, हर चीज़ भूल जाता हूँ। 50 बार नाम सुन चुका हूँ काजू को, फिर भी भूल जा रहा हूँ। और ये ऐसा जंगल ग्रीन ग्रीन होते हुए कुछ दिनों में आपको पूरा हरा भरा दिखेगा। बारिश में मज़ा आएगा, एक्चुअली रेन में आएंगे एक बार। नए नए पत्ते निकल रहे हैं किसी पेड़ से, कोई पेड़ देखो सूख गया है, कोई कोई पेड़ है जिसमें नए नए लीफ आ रहे हैं पत्ते। यहाँ पे भी देखो प्लांट प्लॉट में घेर के लगाया हुआ अलग अलग, मतलब यहाँ तक लोगों ने कब्जा किया है, पहाड़ पे पूरा कब्जा है लोगों का। लोगों ने अलग अलग प्लॉट को बना के घेर के अपना अपना एरिया, अलग अलग से अपना एक एक एरिया ले लिया है, जिसमें वो प्लांट अलग अलग ट्रीज लगा के आने वाले दिन में काफ़ी उनको इनकम होगा, उससे उनकी जीविका चलेगी। हाँ सी, ये हमारे पास अभी एक फ्लैग दिख रहा है ऑरेंज कलर का, यहाँ पे लगा हुआ है, ये फ्लैग है। और ये फ्लावर लगाया हुआ प्लास्टिक का बना हुआ है, नेचुरली प्लास्टिक का ही लगेगा ना भाई, क्योंकि अब किधर जाना है ब्रो? इधर ही जाना है, इधर ना। ओके, ट्रैकिंग ट्रैकिंग करना है आपको भाई बहुत ज़्यादा, इसलिए कभी प्लान करो इस तरह आने की ना, तो खाना वाना खा के प्रॉपर जूस वूस पियो दबा के, क्योंकि ताकत रहना चाहिए आपके अंदर, नहीं तो चल नहीं पाओगे। ये तो अपने को आदत है, वॉक करके ही ज़्यादातर वीडियो बनाता हूँ मैं। हो सी, चढ़ान कैसा है, अनदर अबंडेंट प्लेस, वहाँ पे भी एक बनाया हुआ है, इधर से ही ना भाई। ये आ गए हम लोग अकेला, एकदम यहाँ पे ना कान एकदम ईयर एकदम कान बंद हो गया मेरा, जैसे एरोप्लेन में बैठते हैं ना, जब एरोप्लेन ऊपर जाता है तो कान कैसे सुन हो जाता है, उस टाइप का हो गया मेरा ईयर, सुन हो गया दोनों, क्योंकि काफ़ी ऊपर आ चुके हैं। बहुत डर, हाँफने लगा मैं। दिस इज द वे, ऐसा रास्ता है, और ये पूरा घना जंगल दोनों तरफ। अभी हम पहुंचने वाले हैं भाई, जितने जिसके लिए इतना मेहनत किया था उस मंदिर पर अब पहुंचने वाले हैं। मुझे दिखना चालू हो गया टेंपल, लेकिन मेरे दोनों कान एकदम सुन हो चुके हैं, अजीब सा हो गया है, जैसे वही बोला ना, जैसे एरोप्लेन जहाज़ में बैठते हो प्लेन में तो ऊपर जाते समय कान कैसा होता है, सेम वैसा सुन हो चुका है एकदम। और दिस इज द प्लेस, हियर इज द टेंपल, जिसके लिए आपको काफ़ी वीडियो में मैंने कोशिश किया हूँ पहुँचने की, लेकिन कहीं और पहुँच जाता हूँ,
इसी टेंपल पे मुझे आना था, मंडपा देवी की जय। सी मुझे कुछ लोग दिख भी रहे हैं इधर पहले से आगे। अरे आप लोग डर नहीं रहे हो, ऐसे आ रहे हो? सी गर्ल्स हो भी यार, मैं लड़का होके डर रहा था, अब सोचो इनको देख के मुझे हिम्मत आई है। कैसे कहाँ से आ रहे हो आप लोग? आए किधर से? रास्ता है बताओगे मुझे जाते समय?